वाह दोस्तों, ये देखें आप, इतना लंबा खजूर का दरख्त है ये। मैं तो नहीं चढ़ सकता इसमें। इसमें वही शख्स ही चढ़ सकता है जिसका एक्सपीरियंस हो, जिसका तजुर्बा हो। हमारे इलाके में, हमारे खेतों में दो खजूर हैं, एक रेड कलर की और एक येलो कलर की। ठीक है, अभी पकने के प्रोसेस में है। ठीक है दोस्तों, खजूरें बड़ी अल्लाह की नेमत है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद वसीम जोत्रू। दोस्तों, खजूर के पकने का, खजूर के लगने का मौसम अपने उरूज पर है। हमारे अपने गांव में, हम अपने खेतों में दो खजियाँ हैं, एक लाल कलर की खजी है और एक येलो कलर की। फुल पक्की नहीं अभी, यानी कि प्रोसेस में चल रही है। मैंने स्पेशली खैरपुर, यानी जो सिंध की जो खजूर है ना, वो बड़ी मशहूर है। वो खजूर उसको पैक करके अब्रॉड कंट्रीज़ में भी भेजी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं खजूर टेस्ट कर रहा था तो मुझे एक रिवायत याद आ गई। वो रिवायत ये थी कि अकालेसलातुसलाम के ज़माने में एक मुसलमान और एक मुनाफिक, यानी एक मुसलमान के पड़ोस में मुनाफिक मुनाफिक रहता था, राश पजीर था। दोनों के घर मिले हुए थे, जुड़े हुए थे, आपस में पड़ोसी थे। तो मुनाफिक के घर में खजूर का दरख्त था, लेकिन वो थोड़ा क्रॉस में था, टेढ़ा था। उसके जो पत्ते थे यार, उसका जो गुच्छा था, खजूरों का जो गुच्छा होता था, वो जाके मुसलमान के घर में, जो साहबी था उसके घर में जाके वो गिरता था। वहाँ पे जब खजूर पकने हो जाती, पकी हो जाती, तो खजूर के दाने उस मुसलमान के घर में जाकर जाकर गिरती। और वो जो मुसलमान था, वो जो सहाबी था, वो उसके अपने जो माली मामला थे उसमें वो थोड़ा तंग था, यानी उसके माली मामला कमज़ोर थे उसके। तो वो क्या, जब खजूरें गिरती थी तो उसके बच्चे होते थे, तो वो खजूर उठा के खा लेते थे। लेकिन वो जो मुनाफिक था, वो आता था, बच्चों के मुंह से वो खजूर का निवाला है ना, वो जो खजूर है वो छीन लेता था। तो वो साहबी ने जाके अकालेसलातुसलाम की बारगाह में जाके अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, इस तरह ये मामला है, खजूर का दरख्त तो उसके घर में, लेकिन उसका जो पत्ते हैं, उसका जो गुच्छा है खजूर का, वो मेरे घर में लटकता है। जब पकी हो जाती है तो इस तरह करके मेरे बच्चे खा जाते हैं, और फिर वो आता है, मेरे बच्चों के मुँह से खजूरें छीन के निकल चला जाता है। मैं गरीब बंदा हूँ, फैसला करें आप। अकालेसलातुसलाम ने बोला, उसको बुलाओ। तो उसको बुलाया गया। तो अकालेसलातुसलाम ने कहा है कि तुम अपना खजूर का दरख्त मुझे बेचोगे, मुझे फरोख्त करोगे? तो उसने मना कर दिया। उसने कहा, नहीं, मेरे पास कोई और खजूरें नहीं है, सिर्फ यही एक दरख्त है जिससे मेरे बच्चों का गुजारा होता है, और मुझे, मेरे बच्चे इसको ज़्यादा पसंद करते हैं, मैं नहीं बेच सकता। अकालेसलातुसलाम ने यह भी फरमाया कि जन्नत के बदले में, यानी तुम मुझे ये खजूर का दरख्त बेचो, फरोख्त करो, मैं इसके बदले में तुम्हें जन्नत में एक महल की खुशखबरी देता हूँ। लेकिन उसने मना कर दिया, वो चला गया। तो उस मजलिस में एक और सहाबी था, उसने अकालेसलातुसलाम से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाज़त फरमाए, मैं जाके ये मामला, ये सौदा करवा कर आता हूँ। अकालेसलातुसलाम ने फरमाया कि जाओ और जाकर सौदा करवा के आओ। वो सहाबी उसके पीछे जी गया, उसके पीछे गया और जाकर उस मुनाफिक से बात की कि तुम ये खजूर का दरख्त मुझे बेचोगे? उसने कहा कि हाँ बेचूंगा, लेकिन ये कि उसके बदले में तुम अपना बाग खजूर का है वो मुझे फरोख्त करो। तो यहाँ जो बात थी वो उस मुनाफिक की नहीं थी, बात बात अकालेसलातुसलाम की उस फरमान की थी कि जाओ तुम इसका सौदा करके आओ। तो उस साहबी ने, वो जो पीछे साहबी गया था, उसने कहा कि तुम एक खजूर का दरख्त मुझे दे दो, और उसके बदले में मेरे 600 बागात हैं खजूर के, यानी 600 दरख्त हैं खजूर के, वो तुम ले लो। वो सौदा करके वापस आ गए, अकालेसलातुसलाम की बारगाह में आकर अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, मैंने इस तरह ये मैंने सौदा कर दिया, यानी मैंने 600 खजूर के दरख्त मैंने उसको दे दिए, फरोख्त कर दिए, इसके बदले में जो एक खजूर का दरख्त मैं लेके आया हूँ। तो साहबी गया अपने बाग में, बाग में इंटर भी नहीं हुआ था, जाकर आवाज़ लगे अपने बच्चों को कि मैंने ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बाग फरोख्त कर दिया, आप लोग बाहर आ जाएं, अभी इस बाग से, इस ज़मीन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और उसके जेब में जितनी हुई कमाई थी ना, वो भी उसने अपने जेब से निकाल कर उस बाग में रख दी। ये कमाई भी इसी खजूरों के बाग से हुई है, तो ये मेरी नहीं है। ईमान देखें उस दौर के सहाबा का, ईमान देखें इस दौर के, हमारे ईमान कमज़ोर हो गए।
तो वो जब वापस आया, अकाले सलातुसलाम ने फरमाया हाँ सौदा हुआ। तो सारा मामला जो जिक्र के मैंने आपके सामने सौदा हो गया, तो अकाले सलातुसलाम ने फरमाया अब मैंने भी सौदा चेंज कर दिया है। वो सौदा ये है कि तुमने अपने 600 खजूर के दरख्त उसको बेचे हैं, इसके बदले में मैं ये देख रहा हूँ और मैं ये तुम्हें खुशखबरी देता हूँ कि तुम्हें जन्नत में 600 महल तुम्हें बतौर तोहफा वन जन्नत में मिलेंगे। जब उस सहाबी की जब वफात हुई तो वो तो खुशखबरी तो मिली उसको ना, जन्नत में जो 600 जो महल हैं वो तो मिले उसको, नसीब हुए। लेकिन अकाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं देख रहा हूँ कि इसकी कब्र पर, इसका जो मज़ार शरीफ होगा जब, तो इसके कब्र पर भी 600 खजूरों के जो दरख्त है ना वो झुके हुए होंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि जो सऊदी अरब है या फिर जो अरबी ममालिक है वहाँ पर अक्सर रेगिस्तान है, वहाँ पर तो रेगिस्तान की वजह से वहाँ पे खजूरों के बागात, ठीक है, नखला यानी खजूरों के जो बागात बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। वहाँ की जो खजी है ना जुआ या फिर जो दूसरी तीसरी जो खजूरें प्रोडक्ट्स है वहाँ पे खजूर की बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे। तो फिर ये शान है सहाबा कराम की और ये शान है अकाले सलातुसलाम की, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों ये मामला होते हैं ना, जो ये एक रूहानियत के मामला होते हैं, यानी ये हर किसी को मामला समझ में नहीं आते, ठीक है, और ये वही समझ पाते हैं जिनके दर्जे या जिनका मर्तबा जिनका रुतबा आला हो, ठीक है, और ये सब बिन बिन देखे का सौदा है। और ये भी एक मकूला है ना, लोगों का कहना है, बड़ा मशहूर है जुमला, कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो